अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बेटा, क्या हाल चाल है? बाकी स्टूडेंट्स के आज टेस्ट की तैयारी करने के लिए चले गए। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट डे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम ये डिस्कस कर रहे थे और हम निकल प्लेटिंग तक पहुंचे थे। तो बस अभी हम स्टार्ट लेते हैं, कुछ प्रीवियसली बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो निकल प्लेटिंग इसके लिए, इसके मुताबिक अगर कोई आपको प्रीवियस टॉपिक से सवाल करना हो तो आप प्रीवियस टॉपिक से सवाल कर लें, मतलब फिर हम आगे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आज आपका टेस्ट भी है आई थिंक एमसीक्यूज का, और ये आपको पता होगा कि टेस्ट आपका चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन सस्पेंशन, और उसमें सिर्फ एमसीक्यूज है। आज ही है ना टेस्ट आपका? जी, तो आप जरा अच्छी तैयारी कीजिएगा बेटा और से नंबर ले आउट ऑफ आउट। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज का टेस्ट है और हम अपने लास्ट डे जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, और मैंने कहा था कि कल मैं कुछ थोड़ा सा इसमें और एडिटमेंट करूंगा, तो हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर थे। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमने कल इस पे बात की थी कि आमतौर पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसमें सोडियम आमतौर पर, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी तरह प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, कॉपर एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्योरीफाई करते हैं, और जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको हम प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बेसर या चीपर मेथड पर वैल्यूएबल मेथड्स की लेयर को उस पर पेस्ट करा रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ वन मेटल विथ अनदर मेटल। यूजुअली द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड अप ऑफ चीपर और बेसर मेटल सच एज आयरन, स्टील एक्सेट्रा। इट इज वाइडली यूज्ड इन animation jewelry, decorative pieces, crockery, and nickel plating and chromium plating are very important technique to protect precious metals from corrosion. ठीक, nickel plating बड़ी, आप जो nickel की color बड़ा attractive color होता है, silvery white, तो ये जब baser metals के ऊपर इसको electroplating की जाती है तो उसकी एक तो रस्टिंग से महफूज रहता है, दूसरा वो एक शाइनिंग तरह से उस पर आ जाती है। क्रोमियम जो है वो वाइट ग्रे कलर का होता है, तो इसकी भी एक वैल्यूएबल कलर उसके ऊपर चढ़ रहा होता है। निकिल प्लेटिंग हमारा टॉपिक ये था, कोटिंग ऑफ निकिल मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड निकिल प्लेटिंग। ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम निकाली आपके लिए, ये जो सिल्वरी व्हाइट कलर, ये मैट इस पे आयरन के ऊपर इसको कोट किया गया है। ठीक है, ये आयरन के बने होते हैं नट बुलेट्स वगैरह, आपने देखा होगा कुछ अरसे गाड़ी के नट और बुलेट पर जो है उसके ऊपर जंग आ जाता है,
तो उसके ऊपर ये प्लेटिंग हुई हुई होती है, जब प्लेटिंग हट जाती है तो उस पर जंग आ जाता है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये एक कॉइन है, ये वाली जो पहली कॉइन है जिसमें पर्सल मौजूद है, ये जो है कॉपर है, इसके ऊपर कॉपर कलर चढ़ा हुआ है, और जो इसके बराबर में है इसके ऊपर चढ़ाया गया है निकिल निकिल प्लेटिंग। ये निकिल प्लेटिंग की ही मिसाल का तो ये निकिल पकिल प्लेटिंग की मिसाल ला सकते हैं, और इसके ऊपर हमने कौन सा किया कॉपर, क्योंकि कॉपर का कलर गोल्डन कलर का होता है, जैसे कि ये कलर है। ठीक है, तो ये दो चीज, आगे जाकर हम इसकी एक और भी चीज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें जो एपरेटस यूज हो रहा है, जैसे कि कल हमने बात की थी और कल इसी पर आई थिंक मुबशरा ने सवाल भी किया था कि एपरेटस, तो एपरेटस का मतलब इक्विपमेंट जो इस प्रोसेस में यूज होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड फॉर निकिल प्लेटिंग व्हिच इज कंपोज्ड बाय अ ग्लास वेसल्स, टू इलेक्ट्रोड आर डिप इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये चीज याद रहे कि ये ग्लास वेसल्स, अब ग्लास वेसल्स से मुराद आप बीकर भी ले सकते हैं, बड़ा आसान सा होता है, बीकर भी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक की कोई चीज है उसको भी आप ऐसे वेसल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। इवन आप अपने जो पानी पीने का ग्लास होता है, पानी पीने का ग्लास, उसको भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्टील का ना करें क्योंकि उसमें करंट आ सकता है। तो सिर्फ हम जो है किसमें यूज कर सकते हैं, जो कांच का ग्लास होता है उसको हम एज ए वेसल यूज कर सकते हैं। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, और इलेक्ट्रोड डिप करने के लिए जो इलेक्ट्रोड हमने, जो इलेक्ट्रोड प्लेटिंग करनी है, जैसे कि इसके ऊपर हमने निकल किया है, तो इसको हम कैथोड पर लेंगे, और निकल मेटल स्ट्रिप जो है वो हम एनोड पर लेंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे वो कोई भी निकल सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, कोई भी निकल सॉल्ट, जरूरी नहीं होता कि आप निकल सल्फेट ही लें, निकल सॉल्ट, कोई सा भी निकल सॉल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो निकल सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो एनोड इज मेड ऑफ प्योर निकल मेटल, और कैथोड इज मेड ऑफ सब्सटेंस बाय सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टू इलेक्ट्रोड आर जॉइंट विद बैटरी जस्ट लाइक दैट। यहाँ हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पूरा का पूरा एक ग्लास वेसल है, और मैंने जैसे कि अभी बताया कि ये आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, इवन ग्लास भी ले सकते हैं, और इसमें आपने क्या किया है कि इलेक्ट्रोड और दो इलेक्ट्रोड डिप किए हैं इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक इसमें एनोड है, एनोड जो है वो प्योर निकल का है, ठीक है, एनोड किसका बना हुआ है, प्योर निकल का, तो एनोड हो गया प्योर निकल का। तो इसमें जो कैथोड है, कैथोड बना होगा उस सब्सटेंसेस, उस सब्सटेंस का जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं, ठीक है, जिस पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं उसे हम लेंगे एज ए कैथोड, ठीक है। और इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है वो हमने लिया है निकिल का कोई भी सॉल्ट, अब यहां हमने ले लिया है निकिल सल्फेट, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, क्लियर है। तो एनोड इज मेड ऑफ प्योर निकिल मेटल, और कैथोड इज मेड ऑफ द सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेट, द टू मेटल्स आर टू इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंड विद बैटरी, ये दो इलेक्ट्रोड हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, और इस पूरे सेल को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्रोसेस सिंपल है इसका, प्रोसेस में ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड द एनोड विच इज निकल डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये डिसॉल्व होगा, निकल इलेक्ट्रोड जो रखा हुआ है एनोड की तरफ वो निकल कैथोड की तरफ, जी निकल नहीं होगा, निकल के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, निकल पार्टिकल्स, ये जो आप तस्वीर में आप देख रहे हैं अभी आपको, ये जो तस्वीर में आपने देखा ये वाला हिस्सा, ये कैथोड है, तो ये निकल पार्टिकल्स, जो निकल इसमें है ये प्योर निकल का है,
एनोड किसका बना हुआ है? प्योर निकल का। तो प्योर निकल इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू होगी तो ये डिजोल्व होने लगेगा प्योर निकल, और इसमें क्या आएगा? ये आयंस आएंगे। कौन से आएंगे? ये पॉजिटिव आयंस, ये निकल के पॉजिटिव आयंस। अब वो कहां जाके लगेंगे? वो पेस्ट होना शुरू हो जाएंगे इस जिसको हम को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसकी सरफेस पे ये आना शुरू हो जाएंगे, और ये सरफेस पे आते रहेंगे, और ये जो है कहां पर डिपॉजिट होगा? ये इधर आने लगेगा एनोड की तरफ। तो एनोड क्या कर रहा होगा? एनोड डिसॉल्व हो रहा होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और यहां पर मोर निकल आयंस प्रोड्यूस हो रहा होंगे, और वो निकल आयंस प्रोड्यूस होकर कहां पर लग रहे होंगे? वो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहे होंगे। ठीक है जी आसिम, मोहम्मद आसिम, बात क्लियर है? शाबाश बेटा, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास होगा तो एनोड जो है वो कहां पर डिसॉल्व होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो निकल आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो निकल आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल आयन हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, और वो मूव करेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। ये आ गए निकल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स द कैथोड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये उसकी सरफेस पे जाके पेस्ट होने लगेंगे। Where they gain electrons and are reduced to nickel metal on the surface of object cathode as follows. अब इसमें रिएक्शन, ये यहाँ पर एक मैं देख सकते हैं, जरा सा इसको गौर से देखिए कि निकल इलेक्ट्रोड से निकल आयन निकल रहे हैं। ये निकल आयन है, वाजे नहीं है क्योंकि तस्वीर मैंने बड़ी की है, तो ये जरा सी इसके पिक्सल जो है वो जरा शावो हो गए। तो निकल आयन इस इलेक्ट्रोड यानी एनोड से निकल के सॉल्यूशन में आए, और निकल आयन यहाँ पर, और वो निकल आयन किसकी सरफेस पे आ रहे हैं? वो इस ऑब्जेक्ट जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसकी सरफेस पे आ रहे हैं, और वो सरफेस निकल प्लेटिंग कर रही है। कुछ क्लियर हो रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? यस बेटा, कोई पॉइंट क्लियर हुआ? मुबशरा, क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है बेटा, जल्दी से बताएं, सवाल करें बेटा। मुबशरा इसका प्रोसेस, तो प्रोसेस में हमने ये कहा कि ये क्या है? पावर सप्लाई। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये पावर सप्लाई, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये जहां से ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे? ये माइनस टू आ रहा है SO4 के साथ, वो इधर आ रहा है, तो इससे ये जो निकल इलेक्ट्रोड है, जो एनोड है, वो डिसॉल्व होने के बाद क्या कर रहा है? ये आयंस दे रहा है, और ये आयंस बहुत छोटे पार्टिकल्स है निकल के, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसकी सरफेस पे आके पेस्ट हो रहे हैं? वो इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से कैथोड पर निकल आयंस आके डिपॉजिट होने लगेंगे, और ये ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे कि इसकी सरफेस खुद ही शाइन आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि निकल का जो कलर होता है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, तो ये ऑब्जेक्ट सिल्वरी व्हाइट कलर में आ जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जी बेटा मुबशरा, बात समझ में आई है? जी मुबशरा, अभी थोड़ा समझ आया, ठीक है, आप और आगे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अब रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉलोइंग रिएक्शन सकर, ये देखें जी, एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ? निकल आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं कैथोड से, जो कैथोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था सॉल्यूशन में, वो निकल आयन ने लिए, तो इसने बना दिया निकल, और ये मेटल बन गया है।
और इसको हम आम जबान में कहते हैं रिडक्शन हो गई इसकी। और यहाँ पर निकल ने जो दूसरा निकल जो एनोड था वो डिसॉल्व हो रहा था, कहाँ से? एनोड पर। एनोड पर वो निकल, ये निकल प्योर था, इस निकल ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो नेट, द नेट रिएक्शन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ निकल एज निकल आयन थ्रू निकल सल्फेट सॉल्यूशन टूवर्ड्स द कैथोड दैट इज द स्पून एंड गेट इट कोटेड विद निकल मेटल ऑन द सरफेस। जी बेटा, आप सवाल करें, आप कौन सी चीज डिस्टर्ब की ताकि उसको डिस्कस करें। शाबाश। अच्छा, इनके लिए आपको थोड़े सा वैलेंसीज को याद करना होता है, ये और मैं बता दूं आपको, मैंने शायद आपको क्लास में पहले भी कहा था। और वैलेंसीज याद करने के लिए मैंने आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक का हवाला भी दिया था, मेरा ख्याल है डॉक्टर सैफुद्दीन साहब की बुक है, आपकी प्रैक्टिकल जो बुक है डॉक्टर सैफुद्दीन साहब की, उस बुक के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और अच्छा मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, जो सैफ डॉक्टर सैफुद्दीन साहब की बुक में डिफरेंट एटम्स और रेडिकल्स के वहाँ वैलेंसीज लिखी हुई है। तो डॉक्टर सैफुद्दीन साहब की बुक में से आप कम से कम ये जो इनके चंद, उसमें तो बहुत सारे लिखे हैं, तो जितने आप कर सकते हैं उतने याद करें, ये इनके इनकी वैलेंसीज। वैलेंसीज याद करने का फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी गेन कर रहा है, और कौन इतने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो यहाँ जो दो रिएक्शंस हो रहे हैं इनको कहते हैं हाफ रिएक्शन। एक नजर अगर आप देखें तो ये है इसके हाफ रिएक्शन। देखें हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन का मतलब इस डायग्राम में देखें कि ये निकल की बनी है, ये प्योर निकल है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है, जो एनोड बना हुआ, ये प्योर निकल है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या करेगा, ये निकल आयन लॉस कर रहा है, निकल आयन निकल रहा है इसमें से, ठीक है। निकल आयन क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे जमा होंगे, तो पार्टिकल्स के लिए कैथोड की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। अब कैथोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी सरफेस पे जाके पेस्ट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और ये निकल आयन से निकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये निकल आयन से निकल। तो एक रिएक्शन तो हुआ एनोड पर, और एनोड पे क्या हुआ कि ये निकल था, ये देख लें, ये एनोड क्या था, निकल, ये निकल का बना हुआ था, ये निकल का बना हुआ था। इसने क्या किया है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बना दिया, इसने बना दिया है निकल आयन, सही है, ये निकल आयन बन गया। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर। प्योर निकल ने दो इलेक्ट्रॉन देकर निकल आयन बना दिया, ये इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन, किसका, एनोड का, सही है, एनोड पे रिएक्शन ये होगा। तो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पर यही निकल आयन आके पेस्ट हो गया। इसने क्या किया, कैथोड ने ये किया कि जो निकल आयन था, ये निकल आयन था पॉजिटिव टू, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और जब इसने दे दिए तो इसकी सरफेस पे क्या आया, इसकी सरफेस पे सिर्फ निकल मेटल आया जो कि क्या था, न्यूट्रल था। तो दो रिएक्शन। अब इन दोनों को अगर आप सर्किट वो करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, तो उसमें आपका एक इलेक्ट्रोड आयंस दे रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड आयन एक्सेप्ट कर रहा होगा, ले रहा होगा। देखें जी,
द नेट रिएक्शन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ निकल आयन. ये देखें एनोड, पहले इसको एनोड को देखें. एनोड क्या कर रहा है? मैंने आपको बताया कि एनोड ट्रांसफर कर रहा है निकल आयन. ये आ गया निकल आयन. तो एनोड ने किया निकल आयन ट्रांसफर, कहां पर किया? थ्रू निकल सल्फेट सॉल्यूशन. निकल सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उसने ये आयन दे दिया. जब ये आयन दे दिया तो टूवर्ड्स द कैथोड. अब ये आयन कहां जाएगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा. और कैथोड से क्या ले रहा है? दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है. एंड गेट इट कोटेड विद निकल मेटल ऑन द सरफेस ऑफ स्पून. जी मोहम्मद आसिम. जी बेटा अब बताइए, बात समझ आई? ठीक, यहां तक क्लियर हो? अब एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, अगर चल जाए. ये अब निकल प्लेटिंग की एक वीडियो है, जरा इसको गौर से देखें. Right, so here's a super simple way to do nickel electroplating. I like to, before I electroplate my item, I like to make a little nickel bath here. The water is very warm. It actually started out as boiling water. Inside of here, I have a solution which is just pure tap water with nickel ammonium sulfate, and I mixed 1 quart of tap water to 3 ounces of nickel ammonium sulfate, and I like to test it before I do my actual item. So what I'm going to do here is I'm just going to take a penny, nice shiny penny, and I went ahead and I cleaned that penny up. And I used a little vinegar when I cleaned it. That works real well with copper. And I'm going to set it into the bath here. And as you can see, I'll go ahead and I'll let that stick out a bit. As you can see, I have 2 batteries, just a couple of D cells. Everybody I know that does these nickel plates always uses things that plug into the wall, as far as something like 12 volts, something like that, and a very high amperage to bring it across. I've had long-term bad results anytime I used anything other than a very small amount of electricity for this. And check this out. This was only a couple of seconds, and look at that. We've already got a nickel plate starting. See how it's getting shiny? Now with nickel, when you nickel plate something like copper, steel plates really well as well. And when you nickel plate it, oh, it's really looking shiny and good. It'll be a bit dull until we buff it later. And this test already looks to me like we're going to have a really good plate. Now over here on this side, connected to the positive terminal of the battery, is a plate which is pure nickel. So we're using that as our anode, and then our cathode over here is going to be the item that we wish to plate. And actually, probably with the water, especially with the water being hot, this is only going to take a few minutes. Another thing, you might want to have a stirrer. Most nickel baths I've seen have some kind of a mechanical stirrer if you're doing a lot of nickel plating. And look at that, it's really getting a good shine on it. We'll put it back in. So a lot of baths will have a stirrer because for some reason it does seem that the crystals do fall out of solution after a bit. And that's all there is to it. We'll leave that for just a few minutes, and we're going to wind up, I hope, with a nickel-plated penny. So I'll go ahead and shut the camera down for a few moments here. What's really neat about using these low voltages and just taking your time to plate it is you don't really get any bubbling in the solution, and your piece comes out. Check this out. Look at that perfect shiny nickel finish on the whole penny. You also wouldn't normally use an alligator clip. I would use a little charge rail. Pretty much just set it on anything conductive or cradle it in anything conductive. I used the alligator clip here and I just moved it once so that the spot where the alligator clip was holding would also get plated. But this will require almost no buffing at all, and our test is complete. This is going to work fantastic. Finally comes out of the bath. Yes, perfect. Copper. Here in the pen. Yes, dear students,
what about opinion of this video? Dear students, give me your views कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कितना आपको और क्लियर बात हुई. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, निकल क्रोमियम प्लेटिंग सब एक ही जैसी होगी. जी बेटा, तुम्हारी समझ में ये आया सर? उसने सिर्फ निकल की कोटिंग की है, निकल की कोटिंग की है. और दूसरी वाली जो वीडियो थी जो उसने आनी छोड़ी है, उसने सिर्फ ये बताया कि अगर हम कॉपर प्लेटिंग करेंगे तो सिर्फ सॉल्यूशन चेंज करेंगे और इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे. इलेक्ट्रोड कॉपर का ले लेंगे और कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन ले लेंगे. ओके, आगे मोहम्मद आसिम ने भी क्लियर की जवाब दे दिया है. और बेटा अताउर रहमान, गुड. अच्छा, इस वीडियो को एक दफा और देख लेते हैं ताकि आपका जो एक मर्तबा अब इसको इस तरह देखें कि मैं इसकी आवाज बंद करता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है. देखें, ये आपके पास आ गई, ये आ गई आपके पास बैटरी. ठीक है, ये बैटरी हो गई, ये है इलेक्ट्रोड जो के एज ए इलेक्ट्रोड लिया गया है प्योर निकल का. ये क्या है? प्योर निकल. और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है वो लिया गया है निकल अमोनियम सल्फेट का है. इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि आप निकल का कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, सॉरी सॉल्ट निकल का कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं. तो इसने लिया है निकल अमोनियम सल्फेट, हम ले रहे थे निकल सल्फेट. अब यहाँ पर ये जो रखा गया, ये जो रखा इसने कॉइन रखा, वो रखा किस पर? कैथोड पर. ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू हो गई. ये जो एनोड है वो डिसॉल्व हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और वो जो आयंस हैं वो इसकी सरफेस पर पेस्ट हो रहे हैं. अभी आप देखिएगा कि जब ये अभी निकाल रहे हैं, इनको जब ये निकालेंगे तो आपको इसकी सरफेस पे कुछ पॉइंटेड चीजें नजर आएंगी. जरा गौर से देखना इसकी सरफेस पे, ये आपको पॉइंटेड चीजें नजर आ रही हैं जो कि अभी उसने कहा कि ये फ्यू सेकंड्स हुए तो फ्यू सेकंड्स में वो पार्टिकल्स इसके ऊपर आके पेस्ट हो गए, वो जम गए. तो ये फ्यू सेकंड्स के बाद निकाल के देखा तो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो इस पेंस की सरफेस पर मौजूद है. अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, ये जो निकल है वो डिजोल्व हो रहा है और डिजोल्व होकर इस सोल्यूशन में निकल आयन प्रोड्यूस कर रहा है. तो निकल आयन प्रोड्यूस होने के बाद निकल आयंस के जो पार्टिकल्स हैं वो इस कॉइन पे जाके पेस्ट होते जा रहे हैं. तो इसके मुताबिक ये 5 मिनट्स के अंदर एक नॉर्मली हो जाती है, लेकिन अगर इसको और ड्यूरेबल चाहिए, बहुत अच्छी वाली चाहिए, तो इसको 30 मिनट्स भी लग सकते हैं. और ये डिपेंड करता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पढ़ कर आए हुए हैं, ये एम्पियर करंट पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और सॉरी टाइम पे डिपेंड कर रहा है. ये देखें, अब आप इसकी सरफेस पे देखें कि ये सरफेस इसकी जो कॉपरी कलर की थी, अब इसकी सरफेस सिल्वरी वाइट हो गई. ये सिल्वरी वाइट आपको इसकी सरफेस नजर आ रही है, एक शार्प सिल्वरी वाइट. अच्छा, अब यहाँ आप से कहा गया कि अगर हम
कॉपर प्लेटिंग करना चाहे तो हमने क्या करना है, सिंपली अस कॉप्रिक सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट लेना है इंस्टेड ऑफ निकिल सल्फेट, निकिल सल्फेट की जगह हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर एनोड इंस्टेड ऑफ निकिल प्लेट। जहां हमने एनोड पर प्योर निकिल लिया था, अब वहां पर हम कॉपर ले रहे हैं, प्योर कॉपर। और बाकी प्रोसेस वही, आपने देखा कि ये इन्होंने ये निकाला और ये दिखाया कि ये कितना, ये एक चीज आ गई, द पेनी इज रिपीटेड एंड रेडी टू स्पेंड। नाउ व्हाट कैन बी बिजी विद दिस, अरे तो आ गया, ठीक है, ये आपके पास वो पेन दोबारा से वही होगी। यस स्टूडेंट्स, तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे थे वो देने में कामयाब हो गए। अब मुझे आप ये बता दें कि जो मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वो अब कंप्लीट आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गया? अताउर रहमान ने कहा यस, और मोहम्मद ने भी कहा मुबशरा जी, ठीक, क्लियर है ये बात। अब हम आएंगे एक और दूसरे टॉपिक पर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से कंसर्नड है। और ये देखें, इसमें जो आप अभी यहाँ समझेंगे, जितना भी समझे समझा और समझने की कोशिश की और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली, तो ये प्रोसेसेस हमारे जो ज्यादा आगे काम में जो आने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आने ही है, लेकिन ये फिजिक्स में भी काम आए, ये बात आप याद रखिएगा, ये फिजिक्स के लिए भी है। अनस बिन जहीर, उनको भी क्लियर हो गया, गुड अनस, ठीक। तो ये चीज आप इस तरह से प्रैक्टिकली आपने देख लिए, तो ये ज्यादा इसमें आपको क्लियरेंस आ गई। अच्छा, अब मैं, ये आपने देख लिया कि निकल प्लेटिंग जिस तरह हो रही है, सेम एज इट इज क्रोमियम प्लेटिंग भी होगी, जो हमारे कोर्स में दो प्लेटिंग शामिल है, एक थी निकल प्लेटिंग और दूसरी थी क्रोमियम प्लेटिंग। तो मैंने जो है निकल प्लेटिंग और उसके साथ ये प्रोसेस आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से हम जब क्रोमियम प्लेटिंग करेंगे, तो क्रोमियम प्लेटिंग में क्या आ जाएगा, क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड पर क्रोमियम आ जाएगा, प्योर क्रोमियम का एनोड बनेगा, और जो सॉल्यूशन लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो किसका हो जाएगा जी, वो हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट यानी क्रोमियम सॉल्ट। जरूरी है ये सल्फेट क्रोमियम के साथ, कोई भी सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट किसका होगा, क्रोमियम का। यहाँ तक हमारा टॉपिक था कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसमें हमने की आज इलेक्ट्रो प्लेटिंग। अब थोड़ा सा आपको एक और जगह की तरफ लेके जाते हैं। आपको शुरू में याद होगा कि हमने बिल्कुल पहले लेक्चर्स में, अगर याद हो तो, ये कहा था मैंने कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज लाती है केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज आती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, वहां हमने ये बात की थी जो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो केमिकल चेंज आ रहा है, और ये हो किस में रहा है, उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हमने ये कहा था क्योंकि ये दो चीजें हो रही है अलग अलग, एक तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और केमिकल चेंज आ रहा है, एक चीज तो ये हो रही है। इसके लिए भी हमने जो सेल देखा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इलेक्ट्रोलाइसिस के तमाम प्रोसेस में, जैसे कि हम पहले करके आए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर फैराडेज के लॉस पढ़े, फिर हमने
इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेस को देखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा, ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन इसमें हो रहे थे वो कॉज था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या ये कह लें इलेक्ट्रिसिटी का। इन तमाम रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तमाम रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी हमने दी है, और इसके अगेंस्ट केमिकल चेंज आया है, ठीक है, केमिकल चेंज आया, और इसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दर हकीकत इसका कंप्लीट नाम क्या था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें ये वो सिस्टम है जिसमें हीट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है केमिकल चेंज के लिए, और इस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा सेल वो है जो केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दूसरा सेल कौन सा है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब हम उस सेल को पढ़ रहे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है? जरा मैंने अपने पहले लेक्चर से इसको रिलेट किया है, तो पहला लेक्चर इसके साथ रिलेट करोगे तो अब आप ये समझ लें कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दूसरी टाइप को पढ़ रहे हैं। पहली टाइप हम पढ़ चुके, पहली टाइप के हमने केमिकल चेंज और रिएक्शंस भी देख ली, और पहली टाइप के अंदर हमने ये भी देखा कि वहां इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है केमिकल चेंज के लिए, लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन यूज होगा प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा केमिकल रिएक्शन, और इसकी जो बेसिक सेल बनता है, जो सिंपलेस्ट सेल है, वो वोल्टाइलिक सेल या डैनियल सेल। तो अभी हम स्टडी करने आए हैं, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं डैनियल सेल। जी, बात मेरी समझ में आ गई है ऑल ऑफ स्टूडेंट्स? जी बेटा, क्लियर है बात? ठीक है, अब डैनियल सेल क्या है? अ डैनियल सेल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टाइलिक सेल विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस। इसमें केमिकल रिएक्शन होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये सिंपल फॉर्म है किसकी, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइलिक सेल, ठीक है। अब ये बना हुआ कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, ठीक, ये दो हाफ सेल्स का बना हुआ है, ये अलग अलग सेल्स होंगे, दे आर कनेक्टेड टूगेदर इलेक्ट्रिकली, विच ऑफ हाफ सेल इज पार्ट ऑफ द टोटल सेल इन विच हाफ रिएक्शन अकर्स, दोनों में हाफ रिएक्शन होगा। राइट हाफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल स्ट्रिप डिप इन 1 mm सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये आप यूं समझ लें, मैं यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूं, फिर आपको वहां पर देख लेंगे। ये एक हाफ सेल है, और इस एक हाफ सेल में ये कॉपर मेटल यानी कॉपर स्ट्रिप मौजूद है, और इस हाफ सेल के अंदर ये डिप किसमें है, ये है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें मौजूद है, कौन सा, कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर सल्फेट बना हुआ, इसकी मोलैरिटी क्या है, 1 mm सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन है, 1 mole सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अच्छा, ये है कॉपर मेटल स्ट्रिप, और डिप किसमें किया गया है, कॉपर सल्फेट में। अच्छा,
दूसरा हाफ सेल लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मेटल स्ट्रिप डिप इन 1 mL सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. अब दूसरा हाफ सेल, ये पहला हाफ सेल हो गया, दूसरा हाफ सेल आप कहें कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये मेटल स्ट्रिप बनी हुई है जिंक की, ये जिंक की बनी हुई है, ठीक है. और इसमें क्या चीज रखा गया है, सॉल्यूशन कौन सा है जी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है जिंक सल्फेट, ठीक है. अब ये दो हाफ सेल्स हैं अलग अलग, ये बात अब याद रखें. राइट हाफ सेल्स है वो कॉपर का, इसमें ग्लास वेसल्स है और उसमें कॉपर स्ट्रिप रखी गई है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड पर हाफ सेल्स है जिंक और जिंक को डिप किया गया है जिंक सल्फेट में. अब ये दो, दीज टू हाफ सेल्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये याद रहे कि ये दोनों अलग अलग हैं बाय अ पोरस पोर्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ये दोनों अलग हैं और इसको रिलेट कराएगा सॉल्ट ब्रिज. हम आगे आके बताएंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, अभी हम यहां डिस्क्लोज नहीं कर रहे. These two half cells or single electrode are connected together to form a complete cell. ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये complete cell बनाएंगे. When the electrode are connected externally through a voltmeter, ये voltmeter लगाया जाएगा. Voltmeter क्या करेगा, वो reading बताएगा कि कितनी electricity produce हुई. अब यहाँ हम इस cell को देख लेते हैं. ये cell अच्छी तरह से देख लें कि cell में क्या है. ये जरा सा सेल में इधर से उधर हो गया है, इसको जरा ये राइट पे और लेफ्ट पे आ गया है और इसको जरा आप सीरियस मत लेना, ठीक है. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, फर्क नहीं पड़ता इससे. तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक, और इसको डिप किसमें किया गया है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में. इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको रखा गया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन जो बना हुआ किसका है, इसकी कंसंट्रेशन है 1 mL. दूसरा सॉल्यूशन कॉपर का, दूसरा हाफ सेल किसका है, कॉपर का, और ये बना हुआ है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 mL, ठीक. ये है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है जो इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है और सेपरेट भी रखा हुआ है. और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो रखा गया है वो सॉल्ट कौन सा रखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड. और ये है वो वोल्ट मीटर जो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए जाएंगे, जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहाँ से जब गुजरेंगे तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा कि इस वक्त ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. अब ये दो हाफ सेल्स का जो रिएक्शन है, इन दो हाफ सेल का रिएक्शन वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी. यानी जिंक क्या कर रहा होगा, इसमें जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर के इस वोल्टमीटर से निकल रहे हैं. यहां पर कॉपर क्या कर रहा होगा, कॉपर ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा. अच्छा, ये गेन कर रहा होगा. तो अब इस सूरत में यहां पर सोल्यूशन इसका लेवल कम होना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा होगा, कनेक्शन ये पोटेशियम क्लोराइड यहां पर था पॉजिटिव आयन, तो ये क्लोराइड आयन इसकी तरफ आ रहा हो, और यहां बन रहा था पॉजिटिव आयन, तो ये सॉरी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन इस तरफ आ रहा होगा. ये क्या कर रहा होगा, ये दोनों सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम होगा कि आयन्स जो आगे पीछे, इसके आयन्स और इसके आयन, ये इन दोनों आयन्स को अलाउ करे कि ये इधर से उधर जा सके ताकि सर्किट मुकम्मल हो सके और ये सर्किट चलता रहेगा. यहां पर जिंक की होगी इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन,
और इस हाफ सेल में कैथोड पर होगी रिडक्शन और इस सूरत में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक टू कॉपर और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो बता रहा होगा कौन वोल्ट मीटर के उसका फ्लो कितना हुआ। मोहम्मद आसिम बेटा ये इस सर इस पर किस पर पूछा है आपने, जरा मुझे सही नजर नहीं आ रहा किस पर किसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी हो रही है। अच्छा यहां पर एक छोटा सा ये समझ लो कि स्टूडेंट्स के लिए जरा सी वो बात रहती है नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे कि यहां आपको ये नजर आ रहा है पॉजिटिव और लिखा हुआ यहाँ पर एक कैथोड, सही है, यही एक कंफ्यूजन हुई, बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि हमने पिछले वाले सेल में ये पढ़कर आए हुए हैं कि एनोड एनोड क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ हम उल्टा पढ़ रहे हैं, यहाँ हम इसको पॉजिटिव है और इसको हम के क्या रहे कैथोड और यहाँ ये नेगेटिव है और हमने कहा क्या है इसको एनोड। अच्छा अब इस सेल के अंदर जो हम डैनियल सेल वोल्टाइलिक सेल या डैनियल सेल वोल्टाइलिक सेल गैल्वानिक सेल इन सेल्स में इलेक्ट्रोड सॉरी एनोड और कैथोड की कोई वैल्यू नहीं होती, ये आप इसको जरा सी देर के लिए भूल जाओ, हम यहाँ सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ऑक्सीडेशन किसमें हुई और रिडक्शन किसमें हुई, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, बस बात समझ आई। हम इसको भूल गए कि ये नेगेटिव वहां पर हम पढ़कर आए थे वो वही हो रहा था, लेकिन यहां पर एक सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, ठीक है, कौन से मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करते हैं और कौन से मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इसको हम एक आपके पास एक पूरी फर्स्ट ईयर में जब आओगे तो पूरा का पूरा ये टेबल होगी जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और उससे ऊपर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले होते हैं और उसके जो नीचे होते हैं हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले होते हैं। तो इस बुनियाद पर तमाम एलिमेंट्स के रिडक्शन वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होना जायज है आपका कि नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ, लेकिन हम यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव को फॉलो नहीं कर रहे होते क्योंकि ये यहाँ पर कोई चीज डिपॉजिट या लिबरेट नहीं हो रही बल्कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होना दिखाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस गेन होना या लॉस होना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन कि जो तीन डेफिनेशंस होती हैं और उन तीन डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन यहां पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तीन डेफिनेशंस होती हैं और उनमें से एक डेफिनेशन यहां अप्लाई हो रही है और वो डेफिनेशन क्या हो रही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ये यहां पर अप्लाई हो रही है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दो डेफिनेशन और है जिसमें पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की होती है कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स सॉरी विद एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, कंबाइन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको उलट कर दो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो वो रिडक्शन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वो ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये डेफिनेशन ले रहे हैं तीन में से कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है लॉस हो रहा है तो वो हो जाएगी ऑक्सीडेशन, कॉपर यही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये हो जाएगी रिडक्शन, ठीक है, आगे चलते हैं।
वर्किंग किस तरह से हो रही है। एक जिंक इलेक्ट्रोड जो एनोड पर है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जबकि कैथोड क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब जरा इसको आप जरा गौर से देख लें, जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये बल्ब जो है वो रोशन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, और ये दिखाया जा रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जी बेटा, कोई सवाल? इसको हम यहां तक ही रखते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, सवाल? हाँ पूछो बेटा। ये आपका टेस्ट हो चुका मुबशिरा, टेस्ट हो चुका? अगर टेस्ट हो चुका है तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, और अगर टेस्ट नहीं हुआ है तो यू विल फाइंड, सही? तो अभी मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, तो MCQs आपका टेस्ट अभी हुआ नहीं है तो आप बुक में से फाइंड आउट करें, मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये टेस्ट में सवाल मौजूद है। ठीक है, ये जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, तो ये टेस्ट में सवाल मौजूद है। ठीक है बेटा, आप इसको फाइंड आउट करें। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने की जगह मैं बता देता हूँ, जगह इसकी है जहां आपके 9 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं ना, ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसमें आप चेक करें, वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और चलो, मैं आप कुछ आगे नहीं बोल रहा, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।